उत्तरकाशी के सिलकियारा टनल में फंसे मजदूरों को करीब 14 दिन हो गए, लेकिन अभी तक मजदूरों को निकाला नहीं जा सका। मौके पर युद्ध स्तर पर रेस्क्यू जारी है, लेकिन लगता है अभी राहत की सांस नहीं मिलने वाली, क्योंकि रेस्क्यू में अभी और वक्त लग सकता है। वहीं अब मजदूरों का सब्र का बांध भी टूटता जा रहा है। फंसे मजदूर की आस टूटती दिखाई दे रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि कई मजदूरों ने खाना छोड़ दिया है। टेंशन के चलते मजदूरों ने सुबह से खाना नहीं खाया। परिजनों से बातचीत के दौरान भी कई मजदूर भावुक हो गए। जानकारी के मुताबिक 3 मजदूरों की तबीयत भी खराब हो गई है। वही परेशान है। कितनी देर बात की आपने? बात किए थे सब, अब 3 जन है तो 3 जन। झारखंड से सरकार से क्या कहेंगी आप? सरकार से कुछ कहेंगी? सरकार से तो डेली कहते हैं यही कि जल्दी कीजिए, निकालिए मेरा आदमी। नहीं, प्रॉब्लम क्या हो रहा है इसके बारे में कुछ बताएं आप लोगों को। प्रॉब्लम उसको टेंशन हो रहा है अभी। नहीं, ये आधिकारिक लोग आप लोगों को कुछ बताया क्या? अभी तो कुछ नहीं बताया, अभी बोल रहा टाइम लगेगा। अब कितना टाइम लगेगा पता नहीं, जितना टाइम देते हैं उसमें तो नहीं होता, इसलिए वो भी अभी सही टाइम। 3 मजदूरों को सिर दर्द, उल्टी और सीने में दर्द की शिकायत है, जिसके बाद डॉक्टरों की निगरानी में दवाइयां मजदूरों को भेजी गई हैं। वहीं मजदूरों का मनोबल टूटता देख मौके पर मनोचिकित्सक डॉक्टर को बुलवाया गया है, जो जल्द ही मजदूरों से बात करके उन्हें हिम्मत देने का काम करेंगे। वहीं रेस्क्यू पर सीएम धामी बराबर अपनी नजर बनाए हुए हैं। आज भी उन्होंने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू के सभी कार्यों का जायजा लिया। वहीं पीएम मोदी भी हालात पर नजर बनाए हुए हैं, हर रोज सीएम धामी से जानकारी ले रहे हैं। वहीं बताया जा रहा है कि रेस्क्यू में कुछ नए बदलाव किए जा रहे हैं। मैनुअल ट्रेनिंग की भी योजना बनाई जा रही है, लेकिन बस सवाल यही है कि आखिरकार मजदूर कब तक टनल से बाहर आएंगे। बस जल्द ही रेस्क्यू पूरा कर लिया जाएगा। बार बार यही बात करीब 14 दिन से रट बनी हुई है, लेकिन अभी तक तो राहत की सांस मिली नहीं, इसलिए अब मजदूरों का मनोबल भी टूटना शुरू हो गया है। भारत की बात रोहित सिंह सावल के साथ सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।